क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक शोन इन फिगर इज म्यू। तो यहाँ पर इस ये वाली जो सरफेस है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सरफेस का नंबर भी कर दो, वो भी अच्छी बात है, कि इसको बॉटम से स्टार्ट करूं या इसको देता हूँ, इसको फर्स्ट नंबर की सरफेस कर देता हूँ, इसको सेकंड नंबर आपने की लाइंस सरफेस नहीं कर देता बनाई हूँ। है, मतलब वो जिसमें फ्रिक्शन है, हाँ, ये सही तो है ना, आपने क्वेश्चन, लाइंस। शीट शीट ओपन रखना अपनी, जो शीट मैंने दी हुई है, मैं तो अगेन रीड कर रहा हूँ। देखो, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू, यानी इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस आ रही है, इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड द टेबल इज स्मूथ, ये टेबल जो है, ये टेबल स्मूथ है, टेबल स्मूथ है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, जीरो। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर टेबल स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो। इनको नंबर दे देना सरफेसेस को, जो जो कॉन्टेक्ट में, थोड़ा आसान रहेगा नोटेशन के लिए। आगे देखते हैं, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक। तो ये कह रहे हैं एफ कितना लगाया जाए, एफ कितना लगाया जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम सो डेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो डेट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। वापस से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, और बात यह है कि भले ही मैं एक सर एक आपकी क्वेश्चन, स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई, आप मुझे मैसेज करोगे ना अगर बार बार, तो वो फ्रीज ही होगी, फिर वो नेट डिस्टर्ब होता है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं हो तो हो जाएगा फिर, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास एम है, ठीक है। एक ये वाला ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है। ये बॉल, ये जो स्मॉल एम वाला मास है, ब्लॉक है, ये इसके ऊपर रेस्ट में रखा हुआ है। ये कह रहे हैं एफ की वो वैल्यू बताओ जिसकी, इससे कि ये दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ मोशन में आए, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। करने का तरीका एक ही यस सर। है। फर्स्ट स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो ऊपर वाला हो उसी की बना, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर वाले का बनाया करो, जो भी ऊपर की तरफ ब्लॉक हो। तो जैसे मैं स्मॉल एम का बनाऊं, ध्यान से देखो, ये रहा मेरा स्मॉल एम वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, साथ साथ बोलते जाओ, सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, बोलो। एमजी एम जी लगेगा, ये एम जी लग गया, ठीक है। इसकी वजह से रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन लगेगी, ठीक है। इस वाली सरफेस को मैंने वन नंबर कर रखा है, तो ये रिएक्शन फोर्स को कर दो आर वन। समझ में आ आर रहा है, नहीं आ वन रहा, ठीक है। आर वन हो गया, और कुछ है क्या इस पे, इस वाले ब्लॉक पे, स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे कुछ और है, क्या चीज है, द और एक और क्या फ्रिक्शन। चीज है, फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए मैंने आपको सिखाया था कि या तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसके अपोजिट हो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, या तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसका अपोजिट हो, ठीक है, या जिसमें मोशन करने वाली हो, है ना। तो अगर आप यहाँ, सर हाँ बोलो, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था सर। कुछ नहीं करना, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों बॉडीज का, ठीक है। जैसे अपन स्मॉल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो सबसे पहले तो इसका वेट आ जाएगा डाउनवर्ड, तो वेट डाउनवर्ड आ गया। अब ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को अपन ने वन कर रखा है, तो इससे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी वो कितनी होगी, आर वन, ठीक यस है। सर। नॉर्मल रिएक्शन हो गई आर वन, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये इस पर और क्या हो सकता है, तो ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन ऑफर करेगी, तो फ्रिक्शन ऑफर करेगी, तो आप देखो कि अगर ये, अगर इस पर नीचे वाले पर एफ फोर्स लग रहा है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, राइट साइड में, किधर जाएगा नीचे वाला ब्लॉक, राइट साइड राइट में। साइड में, तो ये राइट ऊपर, हैंड ऊपर वाला साइड, किस तरफ, ऊपर वाला किस तरफ जाएगा, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट साइड में, सर लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड में जाएगा, वेरी गुड। तो इस वाली सरफेस पर, ये जो अपनी सरफेस है, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस सरफेस को वन मार्क करा, इसलिए मैं इस फ्रिक्शन फोर्स को एफ वन लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यस ठीक सर, है। ये यस फ्री सर, बॉडी डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, आया, आ क्लियर गया सर, है। यस सर। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो डेट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ जाएंगे, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सिलरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, बोलो। डिफरेंट होगी सर, अरे, सेम मूव्स टुगेदर, दोनों एक साथ जा रहे हैं तो एक्सिलरेशन अलग कैसे होगी, बताओ तो।
अगर पूरी ट्रेन एक साथ चल रही है, एक ही डायरेक्शन में एक साथ चल रही है, तो एक्सेलरेशन सेम होता है कि नहीं होता? करे सेम ना होता है। हाँ क्वेश्चन सर, आपने, तो दोनों ब्लॉक अगर एक यस। साथ चल रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन भी तो सेम होगी ना। मान लो कि वो एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं, अगर मैं वाई में बैलेंस करूं, तो क्या इक्वेशन आएगी? बोलो, वाई के लिए क्या इक्वेशन आएगी? बोलो। R1 -mg = 0। हाँ, आर वन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। तो आर वन कितना आ गया बोलो आपका? एम जी आया नहीं आया? करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं लिखना यस चाहूँ सर। एक्स के लिए, तो सबमिशन एफ एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में। अभी आप मत बोलना एंजल, चिन में बताओ एक्स। अगर नेटवर्क दिक्कत है तो आप मैसेज भी कर सकते हो मुझको, ठीक है, मैसेज में देख लूंगा। एक्स डायरेक्शन में स्टैटिक की कंडीशन लगाऊं कि डायनेमिक की लगाऊं, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं, क्या करना है? एक्स डायरेक्शन में स्टैटिक की कंडीशन लगाऊं कि डायनेमिक की लगाऊं? बोलो हर्षित चिन में। हाँ सर बोलो जल्दी। डायनामिक की सर डायनेमिक की लगाएंगे क्योंकि न्यूटन एक्स में तो सेकंड लो मोशन कर रहा लगेगा। है, ठीक है। तो क्या लगती है डायनेमिक की कंडीशन? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो इसका मास कितना है? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम और एक्सिलरेशन कितनी मानी है आपने? ए मान रखी है, तो स्मॉल एम इंटू ए। अच्छा बताओ इधर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा? एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा इधर? बोलो कितना फोर्स लग रहा है इसमें एक्स डायरेक्शन में? F1 F1 लग रहा है, ये वाला F1, तो ये आ गया F1। F1 तो F1 इज इक्वल टू एम ए आ गया। अब F1 क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स है और आपको फ्रिक्शन कॉफिशियंट दे रखा है म्यू। तो F1 का क्या फॉर्मूला लगेगा? बोलो फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाऊं यहां पर मैं? बोलो आपको म्यू दे रखा है। बोलो एफ UKR देखो, is equals एफ इजिकल टू फ्रिक्शन म्यू फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू आर, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है, स्टैटिक हो तो एस कर देना, काइनेटिक हो तो के कर देना, ठीक है। तो एफ इजिकल टू म्यू आर, एफ वन के लिए लगाऊंगा तो एफ वन के लिए म्यू, तो ये आ गया आपका म्यू, और आर कितना आएगा? आर वन, तो ये आ गया म्यू आर वन इजिकल टू एम ए। समझते जाना क्योंकि आगे क्वेश्चन तभी होंगे जब ये समझ में आएगा। अब आर वन की वैल्यू कितनी है? एम जी। तो म्यू आर वन की वैल्यू स्मॉल एम और जी, तो ये आ गया आपका स्मॉल एम ए। तो इसे एम से एम काट दो, तो ए इजिकल टू आपके पास आ गया म्यू जी। यहाँ तक बात आई? नहीं आई समझ में? बोलो कुछ भी पूछना हो आप, यू कैन यस आस्क, यू कैन आस्क, एनी वन कैन आस्क, कोई भी प्रॉब्लम आपका हो रही हो। ये मैंने सर। इस वाले आपने यू, ये F1 के लिए यू, ये आई मीन ये पहली सर बात, यू ये आर जो ये है इसको म्यू बोलते हैं, MEU, म्यू। तो ध्यान से प्रोनाउंस करना, इसको म्यू बोला जाता है, म्यू। कॉफ है ना। और सर कल आपने का म्यू मैंने R1 क्यों लिखा? क्यों लिखा, ये कल का लेक्चर नहीं देखा क्या आपने? और उससे पहले मैंने पूरा फ्रिक्शन आपको पढ़ा रखा है, और अभी सर मैंने मैंने पूरा नहीं देख पाया सर, क्लास मैं स्टार्ट करते ही आखिरी। मैंने ये बोला है कि पहले कल का लेक्चर आप बताओ मुझे, देखा नहीं देखा, सीखा कि नहीं, ये दिक्कत फिर आएगी सही उसमें। फ्रिक्शन फोर्स सर का पूरा फॉर्मूला, कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ तो अभी बस ये, अभी ये ध्यान रख लो, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू म्यू आर। रट लो इसको 4-6 बार बोल लो, और फिर वो कल वाला लेक्चर यस पूरा सर। देख लेना जो मैंने भेजा है ना, क्योंकि अब वो पूरा कल का पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता मैं। तो आप ये एफ इजिकल टू म्यू आर फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है, ठीक है, जिनमें ध्यान से देखना है, इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है, वो है एफ वन। तो एफ वन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? एफ वन का फॉर्मूला यानी एफ का फॉर्मूला होता है म्यू आर। तो म्यू तो फ्रिक्शन कॉफिशियंट, तो ये म्यू दे रखा है आपको, और आर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है आपकी? आर वन है, ठीक है। तो इस सरफेस पे यस सर। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? म्यू आर वन। आर वन की वैल्यू आपने एम जी निकाली, तो ए इक्वल टू म्यू जी आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ इस बड़े वाले ब्लॉक का, बड़े वाले ब्लॉक का अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो आप, तो ध्यान से समझ लेना बेटा। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सबसे पहले सर अब तो ग्रेविटेशन डायरेक्टली आ सकती है ना एम फोर्स। जी, कैपिटल एम जी आ जाएगा, ठीक है। यार मेरे को सबको सिखाना पड़ेगा है ना, एक अब ये तो यही फॉर्मूले में ही अभी अटके हुए हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट सिखाने दो मुझको, है ना। तो ये एम जी इधर आ गया, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ आ गया इधर, वो सॉरी अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो एफ आ गया, ठीक है। इस वाली सरफेस पर एफ टू कितना है ये बताओ मुझे, एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? बोलो सही MU R2 F2 जीरो है ना भाई, स्मूथ है ना MU सरफेस, तो अरे जीरो है ना, जीरो स्मूथ यस सरफेस है, ठीक है, पहले ही दे रखा है मैंने, जीरो है।
तो देखो इसका वेट लगेगा नीचे mg, और इस वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सी सरफेस के कारण आ रही है? ये तो आप इसकी हो गई पहली सरफेस, देखो ये रही, ये पहली सरफेस है, दूसरी सरफेस है, तो ये तो पहली सरफेस हो गई और ये दूसरी सरफेस हो गई। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ये कौन सी सरफेस के कारण आएगी? वन के कारण के टू के कारण? सरफेस 2। टू के कारण, वेरी गुड। तो यहां पर आपको लिखना है R2, समझ में आ गया R2? ठीक है। और इसने, इस वाले ब्लॉक ने, इस ऊपर वाले ब्लॉक पर R1 लगाया था फोर्स, तो अब नीचे की तरफ कितना लगाओगे आप? ये R1 लगेगा, तो ये R1 इधर से आ गया, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आपको क्लियरली दिख रहा है ये F फोर्स लग रहा है, बॉडी इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? अपोजिट, यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स होगा ये वाला, जिसको आप क्या करोगे? F1 करोगे, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या कुछ पूछना हो आपको? ये जो मैंने डायग्राम बनाया, और ए एक्सेलरेशन तो है ही सही इसकी राइट साइड में, दोनों ही ब्लॉक राइट साइड में जाएंगे ए एक्सेलरेशन से। इसमें कुछ पूछना है तो बोलो आराम से, जो जो कहना चाहे। अब हर्षित क्या कह रहे हो आप भी कह सकते हो, बोलो बताओ भाई किसको क्या सर, पूछना है, बोलो। क्या क्वेश्चन है, मतलब बोलो, वन बाय कोई वन सब क्वेश्चन पूछ नहीं है लो। सर, समझ में तो आ गया सर। ये कौन ने बोला? चिन्मय ने? सर मेरे को तो आ गया सर, समझ में। चिन्मय आ गया? सर मेरे को तो आ गया समझ में सर। नो डाउट देख ले, सर, अच्छे से देख चला लेना, आ गया समझ में। नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी, है ना। अब भी समझ लो सारा। देखो इसकी एक तो सरफेस ये ऊपर वाली, और एक सरफेस नीचे वाली है। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, तो सरफेस अगर स्मूथ होती है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। ऊपर वाली जो सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? F1 हो गया। अब बॉडी राइट साइड जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो ये F1 हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इनको बैलेंस करना, तो आप इसको बैलेंस करके बता सकते हो क्या बैलेंस हो जाएगा? अगर मैं वाई एक्सिस पे बैलेंस करूँ तो वाई एक्सिस पे स्टेटिक की कंडीशन लगेगी, तो स्टेटिक की कंडीशन जो ऊपर जा रहा है वो प्लस का, जो नीचे जा रहा है वो माइनस का, तो R1 माइनस कैपिटल MG इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा मेरा? R1 प्लस कैपिटल MG, और R1 कितना है मेरा देख लो, स्मॉल MG है, तो स्मॉल MG प्लस कैपिटल MG, ये तो बात हो गई R2 की, ठीक है। अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन लेना चाहूँ तो एक्स में क्या लगेगी? स्टेटिक की कंडीशन लगेगी क्या डायनेमिक की, बताओ? सर एक्स में डायनेमिक डायनेमिक की। की लगेगी, तो नेट फोर्स किसके बराबर कर दूंगा? कैपिटल एम ए के बराबर कर दूंगा, सही है ना। तो इसका नेट फोर्स कितना आएगा ये बताओ मुझे, नेट फोर्स कितना आएगा इसमें, इस केस में, इस वाले ब्लॉक, कैपिटल एम वाले ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितना होगा? बोलो बोलो, आता है आप लोग? हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, आता है आप लोग? बहुत सारे क्वेश्चन है आपको। हाँ बोलो, कैपिटल एफ आएगा ये वाला, और माइनस का ये F1 आएगा, स्मॉल F1, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, और इज इक्वल टू कैपिटल एम और स्मॉल, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ क्या होगा? स्मॉल F1 प्लस कैपिटल एम है। अब स्मॉल F1 कितना है देखो, आपने निकाल रखा होगा स्मॉल F1 कितना, ये रहा म्यू R1, ये रहा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू रख दूं मैं म्यू R1 प्लस एम ए। अब म्यू R1 की वैल्यू देख लो कितना है, R1 की वैल्यू mg है, तो R1 की वैल्यू mg हो गई। a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू म्यू जी है, तो ये म्यू जी हो गई। तो इसमें से म्यू और जी कॉमन ले लो, तो म्यू जी कॉमन ले लो, तो कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो हर्षित क्या कह रहे थे भाई, किस तरह से कर सकते हैं, कोई तो शॉर्ट मैं में तो बता देते इसको हैं डायरेक्टली कर बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम बना के बस आपको चेक करना है कि भाई स्टैटिक की कंडीशन है कि डायनेमिक की, और बाकी एज इट इज कर दो, बस एक फॉर्मूला फ्रिक्शन का भी फिट कर दो उसके अंदर, ठीक है ना। नया इसमें कुछ भी नहीं है, घबराने जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ी केयरफुली बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि आगे तो आप देख ही रहे हो, सिर्फ कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही है ना। और एक तरह से ये आपके ना ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी अच्छे हैं क्वेश्चन, दिमाग आपका शार्प होगा इससे क्वेश्चन कर करके, ये कोई ऐसा हाई यस फाई। सर, सब हाँ एक्सरसाइज होती है सर शार्पिंग के लिए अपने ब्रेन हाँ को। तो बहुत अच्छा लगा। देखो आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 5, ब्लॉक ब्लॉक ए वेज 4 न्यूटन,
एक ब्लॉक है ए, उसका दे रखा है आपको 4 मीटर, ठीक है, वेट दे रखा है डायरेक्ट, और बी जो दे रखा है सर आपको ये एट, हो वाला क्वेश्चन तो हो गया गया 5 6 7, लेकिन आप हमें यस करा तीनों दीजिए सर, हो हमें गए करा सर। दीजिए इसका फाइव। आंसर 3 4 5 आ रहा है क्या? हाँ, एक का 3 आएगा, एक का 4, एक का 5, कर लिया आपने तीनों, यस और सर, समझ मैंने में आ आपको गए, सेंड भी करा है। समझ में आ गए। यस सर, चलो बहुत यस अच्छी बात है, फिर भी चलो एक बार इनको भी बता देते हैं ना। सो द कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.25 फॉर ऑल सर्फेसेस। कॉफिशियंट ऑफ ये म्यू पे दे रखा है 0.25 फॉर ऑल सर्फेसेस, ठीक है। तो इसने दिया है फाइंड द फोर्स एफ टू स्लाइड बी एट अ कॉस्ट। तो देखो मैं आपको तीन फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फिगर ए है, फिगर ए में इस तरह से है, ये इस पे रखा है, ये इस पे रखा है, ये वाला ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एफ टू स्लाइड एट अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, और एफ फोर्स लगने पर ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, और ये फ्रिक्शनल सरफेस है ये वाली। तो एक तो डायग्राम आपका ये हो गया है ना, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रखा है कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड द फोर्स एफ टू स्लाइड बी एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन ए इज हेल्ड एट रेस्ट। तो इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम है इसका कि ये वाला आपका बी हो गया, ये वाला ए हो गया। अब ए को रेस्ट में रखना है तो उसको अपन ने एक रस्सी से बांध दिया यहाँ पे, ठीक है, एक रस्सी से बांध दिया, और ये सरफेस पे भी फ्रिक्शन है, और ये एफ फोर्स लगा रहे हैं। अब ये ओनली ये वाला ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसी क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ये फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो आप, इसमें ये बी ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर ए ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये तो कोई पूरी लाइट कॉर्ड मतलब सर। एक सेकेंड, एक तब तक इसको ड्रॉ कर दूं, इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है। और इसमें पूछा गया है फाइंड द फोर्स एफ टू स्लाइड बी एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन ए एंड बी आर, यहाँ पर भी आपको एफ निकालना है, ठीक है, और इसमें भी कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो ये तीन क्वेश्चन है, 5 6 और 7, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, वैल्यूज तो सारी दे ही दी आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लेना एक बार, यस है ना, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, बाकी मैं और समझाता हूँ आपको, वन बाय वन देखते हैं। तो ये केसेस आपको दे रखे हैं, अब इसमें क्या है, हर जगह फ्रिक्शन है, हर सरफेस पे। तो मैं इस वाले को, ऊपर वाले को वन सरफेस ले लेता हूँ, इसको सेकेंड सरफेस ले लेता हूँ, सारे केसेस हैं इस तरह के, ठीक है। तो पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले में आपको बताना है कि ये एफ कितना फोर्स लगाया जाए कि ये पूरे के पूरा जो है कांस्टेंट, माने कि ये पूरा पूरा कांस्टेंट स्पीड से चले, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, ठीक है, तो वो बाद की बात है, तो बाद में देख लेंगे। देखो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 5 के जैसा है ना, तो इसमें आप क्या करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वैसे आपने कर लिया, इसको पूरे को आप एक सिस्टम मान लो कंप्लीट, तो पूरा एक सिस्टम हो गया, तो क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन, ट्वेल्व ठीक है। अब न्यूटन आपका एफ फोर्स लग रहा है राइट साइड में, एफ फोर्स लगा दो, ठीक है। अच्छा, ये वाली सरफेस को मैंने 2 माना है, मैंने भले ही उसको कंबाइंड कर दिया, ठीक है, पर चलो ऐसे ले लेते हैं। अब इसका जो डाउनवर्ड वेट होगा कितना आएगा, टोटल वेट डाउनवर्ड बोलो, डब्ल्यू ट्वेल्व इज इक्वल न्यूटन टू, डब्ल्यू इज इक्वल ट्वेल्व टू 12 न्यूटन न्यूटन। फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा ना, अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितनी आ जाएगी, आर, ठीक है, आर आर नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अच्छा, अगर ये मोशन करता है तो ये इट विल गो इन अ राइट साइड, ये राइट साइड में जाएगा, यस और राइट साइड में जाएगा यस तो फ्रिक्शन कहाँ पर होगा इसका, इधर ऊपर वाली सरफेस पे कि नीचे वाली पे, सन्नी बॉटम ऊपर वाली वाली पे पे होगा, होगा, नीचे वाली पे होगा सर, नीचे वाली पे, नीचे नीचे वाली पे वाली होगा पे सर, होगा फ्रिक्शन, नीचे वाली पे होगा। हाँ हाँ फ्रिक्शन बस वही होने वाला है जहां पर कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हो। तो इसको तो, इन दोनों को तो मिला के आपने एक बॉडी बना दिया, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ओनली नीचे वाली ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन ये लग जाएगा, फ्रिक्शन कर दिया आपने स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, म्यू आर,
यही फॉर्मूला है। अब आपको काइनेटिक कॉफिशियंट दे रखा है तो काइनेटिक लिख देना एफ के, और ये हो गई बात समझ में आ गई। अभी मैं ये ले लेता हूँ कि भाई ये राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट साइड में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो आप देखो जैसे अपन वाई एक्सिस में इसको बैलेंस करें तो वाई एक्सिस में कौन सा है बेटा, फटाफट बोल दो जल्दी से, वाई एक्सिस में कौन सा इक्विलिब्रियम है, जल्दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है। तो आर इजिकल टू कितना जाएगा बोलो, आर इजिकल टू कितना जाएगा जल्दी से, 12 न्यूटन। एक्स एक्स, हाँ एक्स एक्सिस पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक 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 इक्विलिब्रियम है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, मान लो इसका टोटल मास एम है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन जीरो। तो जीरो है क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है ना वो, कि भाई यूनिफॉर्म यस स्पीड से चले तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, मान लो मास एम था तो जीरो ही आना है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी एक्स एक्सिस की बोलो, नेट फोर्स कितना आएगा एक्स एक्सिस पे बोलो एफ जल्दी, माइनस एफ स्मॉल एफ माइनस, इक्वल्स टू जीरो, हाँ एफ स्मॉल के एफ इजिकल टू इक्वल्स जीरो। तो एफ इजिकल टू कितना जाएगा एफ के, एफ के मतलब म्यू के इंटू आर, म्यू के कितना है 0.25, आर कितना है आपका 12, ठीक ट्वेल्थ। है 100, कितना आ जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप ओनली स्टेप्स को फॉलो करते हो जो कि आपको सिखाई गई है, आपको वो मेथड्स फॉलो करते हो, तो अगर वो क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन भी करता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। देखो सर, हाँ बोलो, मैंने इसमें डिफरेंट मतलब करके करा है तो वो भी सही है। डिफरेंट मतलब अच्छा अलग अलग ब्लॉक्स लिए हैं, हाँ सर, फिर उनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाए। उससे भी आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो भी बन जाएगा, बट ये अप्रोच आप यूज करना जल्दी हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन आपको एक ही जगह बता रहा हूँ, तीनों इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है। बोलो भाई और किसको कुछ बोलना है, नो सर, नो डाउट। ठीक है कॉपी बना लेना, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो इनकी। करते हैं ना सर? आप कभी ये सोचते होगे कि यार सर पूरी शीट क्यों नहीं करा रहे, सर वो असाइनमेंट की पूरी शीट क्यों नहीं करा देते, इसलिए नहीं कराता कि मैं बर्डन नहीं करना चाहता। एक बार अपन जैसे जैसे फिनिश करते जाएंगे मैं वो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये बात हो गई अपनी, चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सिक्स करते हैं। क्वेश्चन सिक्स जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि कितना एफ फोर्स लगाया जाए, कितना एफ फोर्स लगाया जाए कि जो ए वाला है वो तो इसके ऊपर रेस्ट में रहे और बी वाला जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको ऊपर वाले का एफबीडी बनाना है जो ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो तो ये तो ऊपर बहुत ही इजी है सर, वी कैन ट्राई सर, इसको कर सकते हैं मुझे आराम बताते से। जाओ ना, मुझे बताते जाओ, मैं आपसे पूछते आता हूँ। चलो ये ब्लॉक रखा अपन ने, बोलो इसका वेट कितना आएगा नीचे, बोलो बोलो, सर वेट आएगा 4 न्यूटन, फोर 4 न्यूटन, वेरी न्यूटन गुड। रिएक्शन ऊपर, कितनी लिखूं, रिएक्शन वन, R1। R1, वेरी गुड। चलो इधर और कुछ आना है, इस तरफ कुछ आएगा क्या, नहीं सर, वाई एक्सिस में सर कुछ भी नहीं आया, एक्स फ्रिक्शन, एक्सिस में कुछ भी टेंशन नहीं आएगा आया। ना बेटा, टेंशन, ये टेंशन यहाँ पे रस्सी यस से सर, बांध रखा है ना यस, इसको, नहीं तो ये तो चला जाएगा, हाँ या तो आप सर, पकड़ के रखो, सर मान लो मैंने पकड़ के रखा हुआ है इधर, है तो टेंशन आएगी वो टी आ गई, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन भी तो है ना इस सरफेस पे, इस सरफेस को सर मैंने 1 माना है, इस सरफेस को मैंने 2 माना, तो देखो होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस सरफेस पे किस साइड लगेगा, राइट साइड लगेगा कि लेफ्ट साइड लगेगा, इस लेफ्ट वाली, साइड, अब यही तो लेफ्ट लगेगा ना बेटा, साइड इस जगह किधर लगेगा, लगेगा, राइट लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड, साइड, सोच लेफ्ट लो। साइड। अच्छा ये बताओ, मान सो लो ये अभी ये नहीं बंधा था इस पे, जब अगर मैं इसको, अब ये बंधा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको ले जाऊंगा राइट साइड में तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक किस तरफ जाएगा, राइट साइड के लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड जाएगा ना, लेफ्ट साइड जाएगा ना ब्लॉक, तो फ्रिक्शन तो उसके अपोजिट लगेगा ना। तो सर राइट साइड। अरे सर ये रोप से बंधा हुआ है ना हाँ तो रोप नहीं से बंधा बंधा हुआ हुआ था है, तो लेफ्ट साइड होता। हाँ तो आप देखो, आप अगर ये इसको इस तरफ लेता है, ये बी वाली बॉडी को राइट साइड अपन ले जाते हैं, तो ए वाला जो है, ए वाले का मोशन क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किस आएगा, राइट साइड इस तरह से, और ये मैंने सरफेस को 1 माना है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिख दिया F1, और F1 के लिए मैंने लिख दूंगा म्यू म्यू R1, यही लिखूंगा ना म्यू R1, ठीक है हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो बेटा फटाफट जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस अच्छा बोलो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखूं मैं, इसमें सर, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखूं जल्दी बोलो,
R1 = 4 लिख दूं, यस ठीक है। सर। y एक्सिस के लिए क्या लिखूं बोलो, y एक्सिस के सर लिए आपने मास, उल्टा बोल दिया मास सर, इंटू आपने एंगल। उल्टा लिख दिया। हाँ एफ वाई उल्टा, पे आदत ऐसी पड़ गई है ना उसकी, इसलिए। ठीक है, और x के लिए क्या करें बोलो, x के लिए भी सर जीरो ही एक्सिस, आएगा क्योंकि आपने इसको रेस्ट में यस रखा हुआ है ना, बांध के, इसको बांध के आपने रेस्ट में रखा हुआ है, तो रेस्ट में रखा हुआ है तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो जीरो हो जाएगा तो आप तो देख जीरो लो क्यों इसको, होगा सर, ये टी की इक्वेशन तो आएगी सर, अरे सही तो टी लिख की रहे हैं ना इक्वेशन अपन, तो लिखो आएगी ना, हाँ तो लिखो ना, या नेट फोर्स लिखो ना, सर। कितना आएगा, स्मॉल एफ माइनस टी हाँ F1 - T = 0। ठीक है, तो T = जीरो, आ जाएगा F1, और F1 = क्या यस है, सर, म्यू R1। ठीक है, और म्यू कितना है आपका, 0.25, और R कितना है जीरो आपका, 4, तो कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। पॉइंट आया नहीं आया, तो T की वैल्यू यस कितनी आ सर, गई, वन यस न्यूटन सर, तो ये तो बात हो गई ऊपर वाले ब्लॉक की, जिसको कि अपन ने बांध के रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाला, जो बी वाला ब्लॉक, ये तो ए वाला ब्लॉक हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा दिमाग अपना अच्छे से लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने ढंग से। तो ये मेरी 1 सरफेस है, ये मेरी 2 सरफेस है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो वेट लगा दो नीचे की तरफ, तो इसका वेट कितना आ गया, 8 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन तो वेट आ गया इसका। इसकी सर रिएक्शन डाउनवर्ड R1 भी तो आएगी, ऊपर R2 और तो नीचे अभी, R1। हाँ वन बाय वन कर रहा हूँ ना, तो अब ये सेकंड वाली सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन आ गई R2, फिर डाउनवर्ड R2 R1 भी आएगी, यू आर राइट। ठीक R1 है आएगा। चलो, और क्या है भाई इसमें, फ्रिक्शन, तो इस वाली फ्रिक्शन कितना आ जाएगा F1, और ये वाला कितना फ्रिक्शन आ जाएगा, F1 F2। इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि into आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है, और राइट साइड एक्सेलरेशन जा रही कितना है, है, जीरो, क्योंकि वो कह रहा है जीरो कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चलनी चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब चलो R2 बता दो मुझे कितना आएगा, R2 माइनस R1 माइनस 8, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस आर 8 टू इक्वल्स न्यूटन टू R1 R1 प्लस W, टोटल कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, फिर लिखो क्या, R1 + 8 यानी 4 + 8 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक है, ऐसे बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ये तो कौन सी इक्वेशन बैलेंस करी मैंने, बाय सर की एक्स की FY करके बताओ, एक्स की क्या आएगी, कैपिटल एफ माइनस एफ, ये F1 सर माइनस F2 = कितना जाएगा, जीरो, तो कैपिटल F = कितना जाएगा, F1 + F2। F1 की वैल्यू कितनी है, कर रहा F1 कुछ रहा तो नहीं ना, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है देख लो, F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू म्यू R1, ये तो F1 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू R2। ठीक है, म्यू को बाहर ले लो, ये आ गया R1 + R2, R1 + R2 कितना आ जाएगा देख लो, R1 कितना है आपका, फोर फोर, ये तो आ गया जीरो पॉइंट टू न्यूटन फाइव R1 की वैल्यू देख लो, R1 कितना है, 4, तो R1 की वैल्यू 4 आ गई, 16 और R2 और की वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस 12 ट्वेल्व 12 ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 ये 0.25 / 100, ठीक है, इनटू 16, 4 4 न्यूटन सर, 4 न्यूटन। यस सर।